क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ द मून जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द अर्थ इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था, मून को अपनी ऑर्बिट में इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे ले आए थे और उसको रिलीज कर दिए थे, तो मून क्या कर रहा था, अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। अब बढ़ते बढ़ते जब वो अर्थ से जस्ट टकराने वाला है, टकराने से जस्ट पहले की जो सिचुएशन है वो ये है, ठीक है। इस सिचुएशन में दोनों की जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर दूरी, वो डिसाइड करेगी एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अर्थ का रेडियस आर है, और या वहां पर ऐसा दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में कि जो मून का रेडियस है उसको कंसिडर कर लो r/4। ये r और r/4 का डेटा पिछले क्वेश्चन में किसी काम का नहीं था, इस क्वेश्चन में काम का है, जबकि दिया वो पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन क्या होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू r+r/4 का स्क्वायर, ये होगा एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू को एक्स मान लेते हैं, यही निकालना है। और गिवन क्या है, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 10, तो जी एम बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अच्छा सॉरी यार, यहाँ पर एक गलती हो गई, ये तो फोर्स है, फोर्स को मास से डिवाइड करूंगा, मून के मास से, तो ये एम और एम कट जाएगा, ठीक है ना, इसको काटो। और जी एम बाय आर स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्फेस, जिसकी वैल्यू होती है जी, डिवाइड कर दो दोनों को, यहाँ पर जी एम गया, जी एम गया, ये आर स्क्वायर है और ये 5/4 r² है, ठीक है। तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, 16 ऊपर चले जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स बाय जी यानी कि 10। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 16 × 10/25, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है।